Assalamualaikum guys, so welcome back to our YouTube channel UF Reaction. This is Usama. This is Margia. So guys, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. एक दो फिर से एक मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम दोनों ही आपके सामने हाजिर हो चुके हैं. जैसे कि आपको पता ही है कि गाइज आजकल जो है कंट्रीज के कंपेरिजन करने का अपना ही मजा आता है यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आता है जब आप दो कंट्रीज को लेकर उनके बीच में कंपेरिजन करते हैं. उनके बारे में हमें काफी कुछ जानने को मिलता है और बड़ा मजा आता है. खासतौर पर उनकी अच्छी अच्छी चीजें जिस तरह हमें दिखाते हैं उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है चीज को लेकर. लेकिन ये कि आज हम वीडियो जो देखने के लिए जा रहे हैं बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में. तो मारी आज बताओ, आज हम किन कंट्रीज के बारे में कंपैरिजन करने जा रहे हैं? आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो है नेपाल और बांग्लादेश के बारे में. बिल्कुल, आज मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. दोनों कंट्रीज के बारे में कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट टाइम देखेंगे, फर्स्ट टाइम जानेंगे उनके बारे में कि उसके अंदर आखिर क्या क्या खूबसूरती दिखाई जाएगी, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी यार. जैसे कि आपको पता है कि हमेशा की तरह हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं और बड़ा मजा आता है यार, और आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होती है इस चीज को देख के कि यार हम लोग जो है इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और आप बहुत अच्छा अच्छा सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार देते हैं और हमें मैसेजेस करते हैं कि यार इस तरह की और वीडियोस बनाया करें, तो हमें और ज्यादा खुशी होती है. तो मेरे ख्याल से पहले सबसे पहले वीडियो को देख लेते हैं, बाकी बातें हमेशा की तरह बाद में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, हैवी गो. दोस्तों क्या होगा जब एक साइट पर हो नेपाल जैसा कंट्री, इसका ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसको चेकआउट लाजमी कीजिएगा. बीच में कंपैरिजन कर दिया जाए तो कौन सा कंट्री होगा इस कंपैरिजन का विनर? तो नेपाल वाले भाई वीडियो को लाइक करना एंड बांग्लादेश वाले कमेंट करना, लेट्स सी कौन जीतेगा. तो गाइस आज हम इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में एरिया से लेकर जीडीपी एंड एजुकेशन से लेकर बीजेस से 10 से भी ज्यादा फैक्टर्स के बेसमेंट पर बहुत मजा आएगा. इसीलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना. चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके. तो गाइस यार बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों का देश मतलब कि बांग्लादेश जो कि इंडिया का ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री है, यह कंट्री साउथ एशिया में बे ऑफ बंगाल में स्थित दुनिया का एक डेवलपिंग कंट्री है. बांग्लादेश में जमुना, पद्मा, तीस्ता, सूरमा, मेघना जैसी नदियों का जाल बिछा होने के कारण इसे नदियों का देश भी कहा जाता है. बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है. दोस्तों इसके बाद नेपाल की बात करें तो नेपाल को वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट में इंडिया से जबकि नॉर्थ में चाइना से घिरा होने के कारण एक बफर. अच्छा, दोनों तरफ से लगते हैं, इंडिया से भी और चाइना से भी. देश में नदियां ही नदियां हैं. वहीं नेपाल में आपको पहाड़ियां ही पहाड़ियां देखने को मिलती हैं. अच्छा, बड़ा खूबसूरत नेपाल की धौलागिरी, पहाड़ी पहाड़ है वहाँ पे. अन्नपूर्णा एंड गौरी शंकर नेपाल की कुछ फेमस पीक्स है. नेपाल का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है. तो दोस्तों यह थे इन दोनों ही कंट्रीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. आइए अब अपने कंपैरिजन की शुरुआत एरिया के साथ में करते हैं. तो बांग्लादेश का लैंड एरिया 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड पर फैला है और यह वर्ल्ड का 94th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है. नेपाल की बात करें तो इस कंट्री का एरिया 1,47,560 मैक्सिमम. हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ही है, ज़्यादा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है एरिया की अगर बात की जाए. जिस कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया का पहला पॉइंट मिलेगा बांग्लादेश, थोड़ा सा फर्क था. अगर गाइस बात की जाए पॉपुलेशन की, तो जब बांग्लादेश की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 17 करोड़ की है, नेपाल की पॉपुलेशन ओनली 3 करोड़ की है. आपको बता दूं बांग्लादेश वर्ल्ड का 8th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, जबकि नेपाल की पॉपुलेशन रैंक पूरे वर्ल्ड में 49th है. तो पॉपुलेशन का दूसरा पॉइंट फिर से बांग्लादेश को मिलेगा एंड स्कोर होता है 2-0. बांग्लादेश की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है ढाका एंड दूसरी मेजर सिटीज में चिटागोंग, खुलना, नारायणगंज, मैमनसिंह, रंगपुर एंड सिले सिटी का नाम आता है. नेपाल की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी का नाम है काठमांडू, जबकि दूसरी मेजर सिटीज में पोखरा, काठमांडू के बारे में सुना होगा, काफी अच्छी है वो सिटी की. गीताहारी, जनकपुर, भरतपुर एंड हेटौडा सिटी का नाम आता है. तो गाइस ये पॉइंट किसी भी कंट्री को नहीं मिलेगा. दोस्तों बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगला एंड मेजर रिलीजन इस्लाम है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 8 सब डिविजन. जबकि नेपाल में टोटली 7 प्रोविंसेस आते हैं. तो सब डिविजन का पॉइंट बांग्लादेश को एंड स्कोर होता है 3-0. गाइस यहाँ बांग्लादेश की पीएम मिसेस शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट मिस्टर साहबुद्दीन चुपू हैं. वहीं नेपाल के पीएम मिस्टर पुष्पा कमल दहाल एंड प्रेसिडेंट मिस्टर रामचंद्र पौडेल हैं. तो यह पॉइंट किसी भी कंट्री को नहीं मिलेगा. तो दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात की जाए, मतलब ये मेन चीज होती है. बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 2023 में
$449 बिलियन की है और यह वर्ल्ड की 35th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नेपाल की नॉमिनल जीडीपी 2023 में ओनली $45 बिलियन की है, जिसकी जीडीपी रैंक पूरे वर्ल्ड में 101 है। तो यह पॉइंट बांग्लादेश को। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो बांग्लादेश का पर कैपिटा $2,641 का है, जबकि नेपाल का ओनली $1,500 का। तो पॉइंट फिर से बांग्लादेश को एंड स्कोर होता है 5-0। इस करेंसी को देखा जाए तो जहाँ बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका, वही नेपाल की करेंसी है अच्छा, वन बांग्लादेशी टका 1.23 नेपाली रुपीस के इक्वल होता है। नंबर ऑफ पैसेंजर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में 8 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं नेपाल में 22। तो नेपाल यहां पर फर्स्ट टाइम पता चला है। इस बात की जाए कुछ फेमस टूरिस्ट साइट्स की तो बांग्लादेश में आप कॉक्सिस बाजार बहुत ज्यादा मशहूर है, सोनार गांव, नेशनल पार्लियामेंट हाउस, एहसान मंजिल, सेंट मार्टिन आइलैंड, लालबाग फोर्ट, शाहिद मीनार एंड लिबरेशन वॉर म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं। वहीं नेपाल में आप कितना खूबसूरत है यार, पून हिल, माउंट एवरेस्ट, काठमांडू वैली, लुम्बिनी, सागरमाथा नेशनल पार्क, धरान एंड कीर्तिपुर को विजिट कर सकते हैं। सूरत में ये दोस्तों, अब लास्टली कुछ दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो बांग्लादेश का लिटरेसी रेट है 76%, वहीं नेपाल का लिटरेसी रेट 75% का है। बांग्लादेश में जहाँ पॉवर्टी रेट 18% का है, वहीं नेपाल में पॉवर्टी रेट 13.8% का है। तो स्कोर होता है 7 points फॉर बांग्लादेश, 2 points फॉर नेपाल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 years की है, जबकि नेपाल की ओनली 72 years की। गाइस, यहाँ बांग्लादेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% का है, वहीं नेपाल का ओनली 5% का। तो यह पॉइंट नेपाल को एंड स्कोर होता है 8-3। गाइस, लास्टली अब देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिविल राइट्स, क्लाइमेट एंड करप्शन इंडेक्स के 4 points नेपाल को मिलेंगे, जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड डेवलपमेंट के 3 points बांग्लादेश को मिलेंगे। तो फाइनल स्कोर होता है 11 पॉइंट्स पर बांग्लादेश एंड ओनली 7 पॉइंट्स पर नेपाल एंड द विनर इज यार ये खाली इंफॉर्मेशन वीडियो होती है। ऐसा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ओके जी, तो ये कोई मतलब मेरे ख्याल से मुकाबला नहीं चल रहा था, इंफॉर्मेशन के लिए देखी जा रही थी वीडियो, लेकिन ये है तो काफी जबरदस्त अच्छी अच्छी चीजें मैं देखने के लिए मिली। मैं वही देख रही थी कि बांग्लादेश की तो हमें एक एक जगह का पता है, क्योंकि हम बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हैं और हमें दिली ख्वाहिश है कि हम बांग्लादेश आए। और यार लेकिन मैं कहती हूँ नेपाल भी बहुत खूबसूरत मुल्क है यार, खूबसूरत मुल्क है। फर्स्ट टाइम इस तरह उसका कंपैरिजन हमने देखा है, बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा खूबसूरत चीजें दिखाई गई हैं उसके अंदर। उन्होंने बोला कि पहाड़ के मामले में जो है ना नेपाल जो है नेपाल सबसे बहुत मतलब नंबर वन पे आता है। उस चीज को देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरती है वहाँ की, जिस तरह उन्होंने दिखाई थी चीजें उसकी बहुत खूबसूरत खूबसूरत। बेशक ये है कि उसकी पॉपुलेशन वहाँ की कम है, बांग्लादेश की ज्यादा है, लेकिन ये है कि चीजें वहाँ की भी बहुत खूबसूरत, बांग्लादेश की तो हर चीजों का हम लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है उनकी हर चीज के बारे में, लेकिन नेपाल में फर्स्ट टाइम इस तरह हम लोगों ने किया है तो वो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी यूनिक चीज उसके अंदर मुझे ये ज्यादा लगी थी, जिस तरह अगर बात की जाए बांग्लादेश के पैसे की तो उसको उनको टका कहा जाता है, और नेपाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला था कि इसको रुपी कहा जाता है, रुपी मतलब रुपीज आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, रुपी उधर का बन जाता है वहाँ की करेंसी का। लेकिन ये है कि मतलब दोनों ही बहुत जबरदस्त अपने लिहाज से। और दूसरी मेन चीज बहुत ज्यादा मुझे अच्छी ये चीज लगी थी कि उन्होंने बोला था कि वहाँ पे 22 एयरपोर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा एयरपोर्ट बनाए हैं उन्होंने। जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री होगी अपनी कंट्री में तरक्की करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ही अपने सेक्टर पे काम करती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आती है अपने आप को। और मैं कहती हूँ कि मौका मिले तो बांग्लादेश तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन हम लोग नेपाल पे भी जाके विजिट करेंगे, क्योंकि नेपाल में बहुत ज्यादा खूबसूरती है, बड़ा अच्छा लगेगा एक नई जगह पे जाके नई नई चीजें देखने। बिल्कुल ऐसे। तो गाइस वीडियो बहुत जबरदस्त लगी, काफी मजा आया वीडियो देखने का। अब आपने हमें बताना कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हमें ढेर सारे कमेंट्स करें। बिल्कुल, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रिएक्शन के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।